हेलो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करूंगी उसके यूज से आप जो है अपनी सफेद हुई दाढ़ी को बिल्कुल काला बना पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग देखते हैं कि मर्दों के चेहरे पर घनी दाढ़ी कितनी अच्छी लगती है, और आजकल दोस्तों दाढ़ी रखना ट्रेंड में भी चल रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कई पुरुष ऐसे हैं जिनकी कम उम्र में ही दाढ़ी के बाल सफेद आने लग जाते हैं। तो उस समस्या का हल मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन इसके लिए आपको इस नुस्खे को एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आप पूरी तरह से इस नुस्खे को समझ सकें और फिर इसका यूज कर सकें। तो दोस्तों, चलिए आज का ये नुस्खा हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे ही कोई नया नुस्खा आप लोग के लिए लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। कम उम्र में दाढ़ी सफेद होने के दोस्तों आपके कई सारे कारण हो सकते हैं। खान पान पर अच्छा ध्यान ना रखना, ज्यादा पॉल्यूशन के संपर्क में आना, बहुत ज्यादा धूप के संपर्क में रहना, ऐसे कारणों की वजह से आपके जो है कम उम्र में ही सफेद बाल होने लग जाते हैं। और दोस्तों, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, इन सब कारणों की वजह से आपके जो है कम उम्र में ही सफेद दाढ़ी आने लग जाती है। लेकिन अब मैं दोस्तों एक आपको ऐसा उपाय बताऊंगी, एक ऐसा फॉर्मूला हम तैयार करेंगे जिसके इस्तेमाल से आपकी सफेद दाढ़ी की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपकी दाढ़ी बिल्कुल काली हो जाएगी। तो इसके लिए जो चीज़ हम सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले हैं वो है दोस्तों आधी चम्मच टर्मरिक, यानी कि दोस्तों हल्दी। और अब जो हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो है विटामिन ई के कैप्सूल। यहाँ पर हमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल को ले लेना होगा और इस कैप्सूल को आपको जो है ऊपर से कट कर लेना होगा, इसका जेल पोशन यहाँ ले लेना है इस तरीके से। दूसरे कैप्सूल को भी आपको इसी तरीके से कट करके ले लेना है। और अब फ्रेंड्स, जो सबसे लास्ट में आप चीज इस्तेमाल करेंगे इसमें वो है वाइट कोलगेट, कोई भी जेल वाला नहीं लेना है आपको। इस तरीके से हमें कोलगेट को ले लेना है। और अब इन सब चीज़ों को आपको जो है अच्छे से मिला लेना है बिल्कुल इस तरीके से, और ये एक थिक क्रीम की तरह बन जाएगा। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको अप्लाई किस तरीके से करेंगे। इस तरीके से ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको अप्लाई किस तरीके से करेंगे। अपनी बियर्ड्स पर आपको जो है इसको अच्छे से मलना है और मसाज करना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये नुस्खा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।